एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुकते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर सदर इलाके से है, जहां मंडलायुक्त और एडीजी जोन प्रयागराज पहुंचे प्रतापगढ़, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों संघ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टि से जो भी संवेदनशील और अति संवेदनशील व्यक्ति है उन्हें देखकर विशेष व्यवस्था की जाए। जिले की सीमा पर बैरियर और कैमरे लगवाए जाएं। वह बुधवार को पुलिस लाइन स्थित सही कॉम्प्लेक्स में चुनाव में लगे प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिशा निर्देश जारी किया। एडीजी ने इस दौरान कहा कि चुनाव के दौरान शस्त्र जमा कराए जाएं, अभियान चलाकर गाड़ियों के शीशे से काली फिल्म हटाई जाए और बिना नंबर की गाड़ियों को सीज किया जाए। अवैध शराब बिक्री, निर्माण और भंडारण पर भी रोक लगे। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक खबरों पर भी नजर रखी जाए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि मास्टर ट्रेनरों को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए। इस दौरान डीआईजी प्रेम गौतम, डीएम संजीव रंजन, एसपी सतपाल अंतिल, सीडीओ नवनीत सेहरा भी मौजूद रहे। चुनाव तैयारी बैठक में भाग लेने आए एडीजी भानु भास्कर को पुलिस लाइन में गार्ड ने सलामी दी। बाद में उन्होंने थाने को सीसीटीवी की निगरानी के लिए बेल्हा हाल में लगाई गई एलईडी की स्क्रीन भी देखी। एडीजी की बैठक के दौरान थानेदारों की गाड़ियों ने शहर में हुटर बजाते हुए मार्च भी निकाला। यह मार्च प्रतापगढ़ शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत इस मार्च को निकाला गया, जिससे आने वाले लोकसभा के चुनाव में यदि कोई भी अराजकता फैलाया जाए तो उस पर अंकुश लगाने में पुलिस कामयाब हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां मोदी की गारंटी वाली वैन को हरी झंडी दिखाकर जिला अध्यक्ष भाजपा ने किया रवाना। बता दें कि भाजपा कार्यालय प्रतापगढ़ से जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने मोदी की गारंटी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीवास्तव ने बताया कि मोदी जी भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं और इसके लिए प्रतापगढ़ में मोदी की गारंटी वैन पूरी लोकसभा में मोदी सरकार के 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का काम करेगी। इस वैन का सुझाव पेटिका भी होगी। सभी लोगों को अपने सुझाव विकसित भारत संकल्प के देना है, उसको भाजपा अपने संकल्प पत्र में स्थान देगी। इस अवसर पर जिला संयोजक और जिला मीडिया प्रभारी राघवेंद्र शुक्ल, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर लेकर अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री समूह विवाह योजना के अंतर्गत 62 जोड़ों ने लिया एक साथ 7 फेरे, जीवन भर साथ निभाने का किया वायदा। बता दें कि मुख्यमंत्री समूह विवाह योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले के सड़वा चंडिका विकासखंड, बाबा बेलखरनाथ विकासखंड समेत 4 विकासखंडों में आयोजित समूह विवाह के दौरान 62 जोड़ों ने मंडप में 7 फेरे लिए और शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वायदा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रतापगढ़ के सदर विधायक राजेंद्र मौर पहुंचे, जहां उन्होंने वर वधु को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मुख्यमंत्री जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिससे गरीबों की लड़कियों की शादियां हो रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर की, जहां कंपोजिट विद्यालय की बन रही बिल्डिंग में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप, वीडियो वायरल होने पर जिलाधिकारी ने दिया जाँच के आदेश। बता दें कि बिहार ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय रामपुर कोटवा समेत एक दर्जन स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बन रही बिल्डिंग में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया। मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी संजीव रंजन ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि गुणवत्तापूर्ण बिल्डिंग बनाई जाए, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां ढकवा बाजार में सराफा दुकान से लाखों रुपए की जेवर चोरी, पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। बता दें कि आसपुर देवसरा के सोनापुर निवासी राधे मोहन सोनी का ढकवा बाजार में इब्राहिमपुर रोड पर सराफा की दुकान है। सोमवार को रिश्तेदारी में एक मौत होने पर वाराणसी चले गए थे। सोमवार और मंगलवार को दुकान बंद रही। प्रयागराज में पढ़ाई करने वाला उनका बेटा सत्यम बुधवार शाम करीब 5 बजे आया और दुकान का शटर खोला तो सारा सामान तितर बितर मिला। पिता को जानकारी देने के बाद देखा कि छत की ओर लगा दरवाजा तोड़ दिया गया है। जानकारी होते ही बाजार के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर थाने के सब इंस्पेक्टर प्रभात कुमार ने निरीक्षण किया। सत्यम ने बताया कि पिता से उसने फोन पर बात की तो 100 ग्राम सोना, 4 किलो चांदी और 10,000 रुपए गायब हैं। उनके आने पर चोरी की गए सामान की पूरी जानकारी हो सकेगी। फिलहाल सब इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया कि वह बाजार के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर चोरों को तलाश करने में जुट गए हैं।